अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑल हाउस टिप्स। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं फूलों का बहुत खूबसूरत सा एक गुलदस्ता, जिसमें हमने ये सिर्फ कलियां कलियां ही ली हैं। देखिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन है, देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। इसको बनाते हैं, चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी ये लीव्स बना लेंगे सिंगल शेड देकर फ्री हैंड पेंटिंग से। इस तरह से हम इसकी सब लीव्स बना लेंगे। और इसकी टहनियां भी हम साथ साथ बनाते चलेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसमें वन साइड शेड देकर से जितनी भी हमारी डिज़ाइन में पत्तियां हैं पूरी हम बना लेंगे। उसके बाद हम कलियां बनाएंगे। सबसे पहले हमें इसमें पत्तियों का ही वर्क करना है। चलिए मैं पूरी पत्तियां जितनी भी हैं ये सब बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पत्तियां सब बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसमें हल्का सा ब्राउन शेड दे देंगे इस तरह से। हम इसको बनाएंगे इस तरह से, सभी पत्तियों में हम ज़रा ज़रा सा ब्राउन कलर का शेड दे देंगे। देखिए देखिए फ्रेंड्स, हमने इन सब पत्तियों में ब्राउन कलर की शेड दे दी है। अब हम इसकी कलियां बनाते हैं। देखिए इस तरह से हम यहाँ से ऊपर से कलर लगा कर लाएंगे, नीचे आते आते वो हल्का हो जाता है, फिर हम उसे साइड से शेड देते हैं इस तरह से। देखिए ऐसे शेड देते लाएंगे हम इसे, और इसके बाद दूसरी साइड से हम कलर लगाएंगे इस तरह से। फिर हम इसे भी शेड दे देंगे। ठीक इसी तरह से हम ये दूसरी पत्ती भी इसकी बनाएंगे। इसमें भी हम इसी तरह से दोनों साइड से कलर लगाएंगे और इसमें शेड दे देंगे इस तरह से। देखिए ये इस तरह से यहाँ से। इसके बाद हम ये बनाएंगे ऊपर वाला हिस्सा इसका। यहाँ से हम ऊपर से कलर लगाएंगे, फिर इसे यहीं से शेड दे देंगे। फिर ये यहाँ से लगाएंगे कलर ऊपर से और इसे शेड दे देंगे। इस तरह से हमारी एक कली बनकर तैयार हो गई। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मुझे जितनी रेड कलर की कलियां बनानी थी मैंने बना दी हैं। अब मैं इसमें दूसरा कलर ऐड करूंगी। यहाँ ये कली में ब्लू कलर की बनाऊंगी। देखिए आप अपनी मर्जी से कोई से भी कलर लगा सकते हैं, चाहे तो एक ही कलर की सारी कलियां बना दें, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे करिए। मैं यहाँ दो तीन कलर ऐड करके खूबसूरत सा गुलदस्ता तैयार करने जा रही हूँ। देखिए इस तरह से शेड देने का तरीका वही है, दोनों साइड से हम कलर लगाएंगे और उसे ब्रश की सहायता से हल्के हल्के नीचे तक फैला देंगे इस तरह से। फिर वही उधर दूसरी साइड से भी लगाएंगे ऐसे ही, और यहाँ से भी हम इसमें शेड देना शुरू करते हैं इस तरह से। देखिए बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने रेड कलर में किया था, रेड कलर की कली में किया था।
इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये कली भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आगे बताती हूँ इसमें क्या करना है आपको। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये ग्रीन कलर यहाँ लिया है ब्रश में, और कली के ऊपर का थोड़ा सा भाग हमने इस तरह से ग्रीन करना है। और आप चाहें तो कली की साइड में भी इस तरह से थोड़ा सा ग्रीन कलर लगा सकते हैं, इससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। इस तरह से आप हर एक कली में लगाइए बनाने के बाद, इस तरह से बना दीजिएगा। एक बार मैं और दिखाती हूँ आपको। इस कली में यहाँ से आप लगाएंगे ग्रीन कलर, और इसको नीचे ले जाकर टहनी से मिला देंगे इस तरह से। फिर ये वही साइड से भी थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर लगा दीजिए, इससे खूबसूरती और ज़्यादा आ जाती है। देखिए इसे थोड़ा हम और बड़ा कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है। आशा करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स करके प्लीज़ बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।